हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं देखने वाला हूं इमरान खान के लेटेस्ट टिकटॉक वीडियोस पर, ट्रेंडिंग टिकटॉक वीडियोस पर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखे हैं और भी इनके वीडियोस और देखो मतलब अच्छे लगता है। स्टार्ट द वीडियो नाउ। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, गोल्डन वर्ड्स अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का, डर किस चीज का डर है भाई, बताओ। मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से, बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के ऊपर बैठे वो इनको पसंद है। लेकिन मैं अपनी तारीख है, वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है तारीख में, हमेशा ये चीजें सामने आ जाती। मेरी जिंदगी स्ट्रगल है, किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी जिंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके। तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज, बहुत लंबा स्ट्रगल है भाई इनका, इमोशनल भी हो जाते हैं। सच में बहुत तगड़ा स्ट्रगल। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको, वापस धमकियां दो। ये सही था। हौसला रखो, दिलेर हो, दिल गुर्दा रखो, सुनो मेरी बात। सारे लोग हाथ उठा के खड़े हुए हैं। उस शबाज गिल से पूछ रहे जी इमरान खान खाता क्या है। मार पहले तो उसे कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, फिर कहते खाता क्या है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये ऐसे नहीं वो पूछ रहे हैं खाता क्या है कि उनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। चार शबाज शरीफ के जो गवाह थे FIA के 16 अरब के करप्शन केस के अंदर, चार गवाह 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक से मरे। उनको खाने का ही पता था कि वो खाते क्या हैं। उसका जो इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान FIA का, वो हार्ट अटैक से मरा। जो दूसरा इन्वेस्टिगेटर था उसको हार्ट अटैक हुआ लेकिन बच गया। और ये खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। ठिकाने लगाने के लिए होता भाई ये सवाल है। जो शबाज गिल का केस सबसे एक शर्मनाक चीज हुई, मुझे तो पूरी तरह डिटेल्स ही नहीं पता थी। हमारा जब वकील मिलके आया उसको, उसने मुझे बताया उसे इन्होंने किया था, नंगा करके उसको मारा इन्होंने, नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान है, उसके ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया है, तशद्दुद किया उसके ऊपर। बहुत ज्यादा तकलीफ। सही है भाई, बिहाइंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जी गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGSISI गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को टारगेटिंग करते सिर्फ। आपको क्यों ये नजर नहीं आया चोर जो 1100 अरब रुपए का इस मुल्क पर जो डाका मारा था वो माफ करवा रहे हैं, NRO ले रहे हैं, क्या वो नहीं नजर आया आपको। जो मुल्क में जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, मैं फिर जनरल बाजवा आपको कहता हूं कि आपने बिलावल भुट्टो के कहने पे
कराची का सेक्टर इंचार्ज बदला था। ये जो हुआ इस्लामाबाद में जिस तरह का जुल्म हो रहा है, जब से ये दो आए हैं आपको इनको हटाना चाहिए। बदनामी कर रहे हैं फौज की, पाकिस्तान की, आपकी, आपको इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अरशद शरीफ कौन था जो उसको धमकियां देता था? उसकी वालदा से पूछे, वो आपको बताएगी क्या कौन वो लोग थे। उसके ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते जी हमें तो पता ही नहीं है कौन कर रहा था, क्यों बाहर चला गया। खुदा के वास्ते सच बोलना सीखो, आपको सबको पता है कि वो कौन धमकियां दे रहा था उसको, सबको पता है। और चीफ जस्टिस साहब आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, काम आपकी तरफ देख रही है। कस्टोडियल टॉर्चर सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, ये सारी दुनिया में बैंड है। कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करेगा अगर चीफ जस्टिस साहब आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? कौन करेगा? पहले शहबाज गिल का हुआ, जब मैंने शोर मचाया तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लग गया कि जी मैंने क्या कानूनी कार्रवाई करूंगा, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना दिया। मैं कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ बात कर रहा था, और अगर तब एक्शन लिया जाता शहबाज गिल के ऊपर तो ये जुल्म आजम सवाती से ना होता। एक आदमी, खुददार आदमी उस तय पे पहुंच जाए कि अगर मैं मुसलमान ना होता मैं खुदकुशी कर लेता, कितना जलील किया होगा उसको। ये डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, हमारा आईन उसको तहफुज देता है। तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब आपको भी कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर एक्शन लें, जो आजम सवाती ने आपसे अपील किया इसके ऊपर एक्शन लें और बताएं कि हम इंसानी माशरा हैं। इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में नहीं होता। हमारा यह हक है, हमारा राइट है कि हमें इंसाफ दे। और जनरल बाजवा मैं फिर कहता हूं कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें, इन दोनों आदमियों का इनको ट्रांसफर करें। चलें जी, हुकूमतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, आपका तो कोई चांस ही नहीं है। विकीलीक्स में जो आपके बारे में जिक्र आया है, अमेरिकन डोंट लाइक यू। नहीं, अमेरिकन अमेरिकन से पावर इन इस्लामाबाद लाइज टू द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। विकीलीक्स से तो ये जाहिर हो रहा है और आपका तो वहां जिक्र ही नहीं है। मुझे वो पावर चाहिए नहीं जो अमेरिकनों के कंधों पर चढ़ के आनी है। मुझे कोई पावर चेंज कैसे आएगी? जो अमेरिकनों के कंधों पर चढ़ के आएगा वो चेंज नहीं ला सकता। वो स्टेटस को का हिस्सा बनेगा, वो कहेगा जो वो कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ये अमेरिकनों के, ये जो सारे आए हैं हम लिबरल हैं, ये लिबरल बन के आए हैं ना हम। लिबरल का मतलब जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे, तो ये आप कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ? एक्चुअली अमेरिकनों को कन्विंस करने की जरूरत है कि आपकी जो पुतला बनाने की, पुतले रखने की पॉलिसी है फेल हो चुकी है। जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो भी सबके सामने। आप एंटी अमेरिकन हैं? मैं कभी किसी मुल्क का एंटी नहीं हो सकता, मैं अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ। लेकिन अगर आपकी 80% अवाम आज अमेरिका के खिलाफ है, अगर फौज रिफ्लेक्ट करती है आपकी अवाम, तो इसका मतलब 80% फौज भी, फौजी भी अमेरिका के खिलाफ है, अंदर जो फौजी है। इसका मतलब कि जब आपकी हायरा की पॉलिसी फॉलो कर रही है जो अवाम की सोच के खिलाफ है, खतरा ये सारी पाकिस्तानी कौम को चलना चाहिए कि अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हैं जो आपकी फौज, आम फौजी जो आपका रैंक एंड फाइल है वो उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका एंटी इस्लाम है। अगर खान साहब रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन अगर ये पॉलिसी फॉलो की आपकी फौज के अंदर प्रॉब्लम आने वाले आगे। वाह तगड़े, बहुत बढ़िया टिकटॉक वीडियोस थे, मतलब ओरिजिनली इमरान खान के थे, उस पर कोई गाना ज़्यादा नहीं चलना, और वो स्लोमोज वो भी अच्छे लगते हैं टिकटॉक वीडियोस, लेकिन ये जो थे ज़्यादातर वो ही वीडियोस थे। सो मज़ेदार वीडियो थे। आई थिंक इसमें बहुत कुछ, ज़्यादातर उनकी एक पर्सनैलिटी और एक जो एटीट्यूड है वो देखने को मिलता है हमें इसके अंदर। जैसे कि वो बोलते हैं दिल गुर्दा रखो, बोलो, एंड वो कंटेनर पर बोलते हैं कि यार बोलो, कौन बोलेगा, तो आप लोग को बोलना चाहिए, थोड़ी हिम्मत करो, बोलो, जो भी नाम है जिसने किया है वो बोलो। एंड शहबाज़ गिल के बारे में इन्होंने बात की, और बहुत लंबी लंबी थोड़ी सी स्पीचेस भी थी, शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं वैसे टिकटॉक की, लेकिन ये थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी थी जिसको सुनने में मज़ा आ रहा था। अरशद शरीफ के साथ इनका इंटरव्यू था 2011 का। सो ये जो पॉलिसीज़ के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं, ये चीज़ वो 2011 में भी बोल चुके हैं, और वो बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। एंड इस टाइप की चीज़ें जो इन्होंने अभी बोली हैं, सो वो कोई आज की टाइम की नहीं है, ये इन चीज़ों के खिलाफ पहले से भी थे, मतलब वो माइंड सेट इनका पहले भी था। एक चीज़ और बोली थी इन्होंने कि मुझे मतलब पुतली बनकर नहीं रहना है, मतलब क्या बंदा है यार,
उस तरीके की पॉलिटिक्स इन्हें करनी भी नहीं है। सो मज़ेदार वीडियोस थे, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो, और हमें वीडियोस भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का, आप जाकर हमें वहाँ पर भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।